जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदिरा भाईजान सलमान खान अपनी कई सारी वीडियो तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बने हैं। आप लोग भी जानते हैं कि इन दिनों सलमान खान अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने। बताया जा रहा है कि सलमान खान बहुत जल्दी 2024-25 में कई सारी फिल्मों के जरिए फिर से एक बार बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, 2023 में उनकी भी कई सारी फिल्में रिलीज हुई जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई, जैसे कि टाइगर 3 और इसके अलावा किसी का भाई किसी जान की फिल्में रिलीज हुई जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। फिलहाल आप लोगों को बता दें, इस बीच और भी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चा बनी है, जिसमें से एक फिल्म का टाइटल है टाइगर VS पठान। पठान इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बनी है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म बहुत जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज भी हो सकती है। फिलहाल जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें हमें देखने को मिलती है और इस फिल्म को लेकर ऐसे सोशल मीडिया पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। आए दिन कई सारा लोग भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2025 से 2026 के बीच रिलीज किया जा सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, पर सोशल मीडिया पर चर्चा बनी है कि इस फिल्म को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया, इसमें सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे। इनका अंदाज लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप लोग भी जानते हैं। आए दिन सलमान खान शाहरुख खान आए दिन कई जगह पर देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल आप लोगों को बता दें, लगातार इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बनी है और फिल्म को बनाया जाएगा। फिल्म रिलीज होती तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल अभी तक टाइगर या पठान इस बात पर खुलकर बातचीत नहीं आने, सलमान और शाहरुख खान ने अभी तक खुलकर बातचीत नहीं किया फिल्म आ रही है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस फिल्म को 26-25 के बीच में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल लगातार कई सारे पोस्टर वाइज जो कि फैंस के जरिए से बनाया जा रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग इस फिल्म को देखने में कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लोग बताएं कि सलमान और शाहरुख एक साथ आते हैं तो आप लोग कितना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए।